भैया आज हम आए हुए एक डेयरी फार्म में, हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम भैया? निशांत मेहता। निशांत मेहता भैया है। मेरा गांव झिंझरो है, डाकखाना हाफिजपुर, यमुना नगर। यमुना नगर से है भैया, और इनके पास लगभग 50 के आसपास तो भैंस है। कितनी भैंस है भैया? 46 भैंस है मेरे पास। अच्छा, 16 काउ है और 18 के अराउंड मेरे पास बच्चे हैं जो जिनको मैं ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। अच्छा भैया, ये मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो गाय वगैरह के बारे में, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप शेयर करो कि क्या क्या होता है, लोगों को बताओ अपने। हमारे पास HF नस्ल की गायें हैं। अच्छा, और इसमें हमारे पास मुर्रा नस्ल की, प्योर मुर्रा नस्ल की हमारे पास बफेलोज हैं। अच्छा, जिससे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों को, हम यहाँ पे अब आगे ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, और आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी काउज एंड फेलोज। थोड़ा लाइट का इशू है भाई, तो रात शाम हो गई है, 7-8 बज गए हैं, तो इसलिए थोड़ा लाइट का इशू है, तो जो भैया की आर्टिफिशियल लाइटनिंग है तो उससे काम चलाना पड़ रहा है, बाकी भैया सब कुछ बताएंगे। बताओ भैया, ये बुल है, ये सिर्फ 1.5 साल का है और इसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हैं। ये अपना होम, अपना ही बच्चा है घर का? अपना बच्चा है, अपनी उस भैंस का है, वो भैंस। अच्छा, भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये अभी 1.5 साल का है? ये 1.5। बताओ भैया, ये काऊ है जो लोगों ने इसको खेतों में छोड़ दिया था, मैंने इसको पकड़ा और इसका दूध अभी 8-9 किलो हो गया है। हो गया, इसको मैंने अपने आप ही तैयार किया है और अभी इसकी मिल्किंग हो चुकी है, इसलिए ये थोड़ा परेशान है। अच्छा, और ये मेरी गाय है, ये 6 बार मेरे पास ब्याह चुकी है। ये गाय इसका दूध 26-27 लीटर है और अभी 2 महीने। अपना फार्म कितना पुराना है? 8 साल हो चुके हैं मेरे फार्म को। 8 साल हो गए, और अपना मतलब मिल्क वगैरह, मिल्किंग का ही अपना फोकस करते हैं हम। मिल्क ही सेल करते हो, गाय भैंस सेल नहीं करते अभी? गाय भैंस का हम सेल का काम नहीं करते। ठीक है, दूध है ना, वो गाय भैंस फिर वो दलालों वाला काम हो जाता है, वो हेरा फेरी करने वाला, ऐसा काम नहीं करते हम। ठीक है ना, हम अपने आप ही ब्रीड तैयार कर रहे हैं। इसका 26 लीटर दूध है और ये 6-7 बार मेरे पास। इस गाय का? हाँ जी। HF है? नहीं, HF है। ये 6-7 बार मेरे पास भी आ चुकी है। ये मेरे घर की बछड़ी है, ये अब सेकेंड टाइम ब्याहेगी, 1 महीना रह गया इसको, और इसका पहले ब्याज में 16 लीटर दूध था और मुझे उम्मीद है इस बार ये 20+ दूध देगी। पहले 16, ये भी होम ब्रीडिंग की है? होम ब्रीड है ये मेरी भैंस है, इसका ये 4 टाइम इस बार ब्याएगी आगे। अच्छा, मतलब इसका बच्चा होने वाला है? इसका बच्चा होने वाला है और पिछले ब्याज में से 12-14 लीटर दूध निकाला है, इस बार देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो भैया क्या कॉस्टिंग आ जाती है एक HF गाय की, जो आप 26 लीटर दूध वाली बता रहे हो? 40 से 60 हजार की अच्छी गाय मिल जाती है। 40 से 60 फैलो मिलती है, 70 से 90 के बीच में अच्छी। अच्छा, और भी आप बता रहे थे कि कहते हैं जैसे किसी को काऊ परचेज करनी हो कहीं से, तो क्या प्रोसीजर आप बता रहे थे? प्रोसीजर ये रखना चाहिए हर फार्मर को कि किसी के पास भी कहीं से भी आपको काऊ या बफेलो देनी है तो पहले उसको एक बार अच्छे से देखो परखो, उसका दूध निकालो, और जब तक आप उसकी 4 से 6 बार तक मिल्किंग नहीं करते दोनों टाइम, तब तक उसको लेके नहीं आना चाहिए। चाहे आप मतलब कहीं आप दूर जा रहे हो या पास जा रहे हो, उसकी कम से कम 4 बार मिल्किंग देखो और उसके बाद वो काऊ या बफेलो परचेज करने चाहिए। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि ग्रेन्स खिला देते हैं शुरू में फर्स्ट टाइम में। अब वो ऐसा करते हैं कुछ लोग कि उसको अनाज ज्यादा डाल देते हैं जिससे वो मिल्किंग दूध पे आ जाती है और किसान के साथ या फार्मर का धोखा किया जाता है। ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए कि हाँ यार आपने 1 टाइम मिल्किंग की 2 टाइम मिल्किंग की, हाँ जी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये दे दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
और फार्मर को ये अपने आप ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी बार मिल्किंग करके कोई चीज दे रहे हो। ठीक है, और भी एज ए प्रोफेशन कैसा, मतलब ये है अपना कि किसी को कोई स्टार्ट करना हो तो कैसा है? बहुत अच्छा काम है ये, हमें इसके लिए बस थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि ये काम गंदा है, ठीक है, मेहनत का काम है। इसमें सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं मतलब सोचा जाता, हम भी सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, बट ये बहुत अच्छा काम है और सब कामों को देखते हुए इसमें 50% मार्जिन 40% मार्जिन तो 110% है ही है। और भी आपकी एजुकेशन, मतलब आप क्या क्या उसके बाद इस काम में आए हो? मैंने बीटेक की हुई है, मैंने बीच में अपने काम को देखते हुए बीटेक बीच में छोड़ दी थी। अच्छा, क्योंकि मुझे अपने काम में इस पे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं इस काम में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने बीच में अपना काम मतलब पढ़ाई छोड़ी और इस काम को चूज किया। और आप एक एनिमल लवर भी हो, जब आपको ये बहुत, मेरे को, मैंने यहाँ पे एनिमल्स अपने काउ फेलोज भी रखी हुई है, मैंने डॉग फार्मिंग भी की हुई है। अच्छा। मैंने पिगरी के लिए भी एक फार्म तैयार कराया अभी। अच्छा। और मैंने मुर्गी फार्म भी कर रखा है, मैंने अपने लिए 70-80 मुर्गियां अपने भाईचारे के में रखने के लिए वो भी रखी हुई है। अच्छा। और आगे आगे हम देसी मुर्गियां हैं वो सारी, और आगे आगे हम डॉग फार्मिंग भी एक लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं। अच्छा, डॉग फार्मिंग भी करोगे? हाँ, डॉग फार्मिंग यहीं पे ही, अपने यहीं पे ही करेंगे। ठीक है, फिशिंग का काम भी करेंगे हम, फिशिंग, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो वाला बुल दिखा दो एक बार, जो हैवी वाला था भैया के पास, जिनसे ये क्रॉस कराते हैं सारे भैंसों को, वो एक काफी अच्छा हैवी हेल्दी बुल है, वो दिखाता हूँ। ये बुल मेरे पास 7 साल से ये आपने परचेज करा था? ये मैंने परचेज किया था। अच्छा। इसकी माँ का दूध 23-24 लीटर था, और ये सारे आगे जितने बच्चे हैं ये सब इसकी माँ के हैं। अच्छा। हम आगे इसको कभी मतलब बहुत लोग परचेज करने के लिए आते हैं, बट हम इसको कभी देते हैं आगे, हम लोगों को आपने नीट कराने के लिए हम इसको आगे यहाँ पे देते हैं। अच्छा, आपने जब परचेज किया था कितने का करा था, और आज आपने कितनी वैल्यू हो गई इसकी? जब हमने परचेज किया था तो 46 का किया था। अच्छा। आज हमें लोग इसके मतलब लोग कहते हैं हमारा 10 लाख का 20 लाख का हमारा ऐसा।